चंडीगढ़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आफ्टर कवरिंग स्ट्रीट फूड ऑफ चंडीगढ़, आज हम आए हैं न्यूली ओपन सरदारजी सोयाचाप जंक्शन सेक्टर 22 चंडीगढ़। सो इनके यहाँ सब कुछ मिलता है वेज फूड, लेकिन नॉन वेज स्टाइल में। जी हाँ, इनके पास मिलता है वेज चिकन, वेज मटन, भी काफ़ी कुछ है। सो अंदर चलते हैं, रेसिपीज बनवाते हैं एंड देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं। सो मैं जैन हूँ, लेकिन आज हम चिकन खाएंगे। सो उसकी मेकिंग देखते हैं एंड जगह का नाम तो बता ही दिया है, सरदार जी। इनका सेक्टर 40 में भी है एंड ये है सेक्टर 22 में। सो सेक्टर 40 वाला हमने लास्ट टाइम कवर किया था, बट होपफुली आज भी हम सेक्टर 40 वाला कवर करेंगे एंड फूड बनवाते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे। सो सरदार जी सेक्टर 22 चंडीगढ़। कसौली ब्रॉयलर्स एंड शर्मा बिरयानी ढाबा, इनके साथ में ही हैं ये सरदार जी सोयाचाप जंक्शन सेक्टर 22। सो अंदर चलते हैं एंड रेसिपीज बनवाते हैं। किचन में आ गए हैं, ये शेफ़ हैं एंड हम क्या बनाने लगे हैं शेफ? दाल मखनी बनाने लगे हैं। पहले आ गया मक्खन, देगी मिर्च, साल, कसूरी मेथी, ठीक है। थोड़ा पानी लेते हैं। ये आ गई दाल। ये आ गई दाल मखनी। सो दाल मखनी हो गई है एंड नेक्स्ट क्या लग रहा है शेफ? तवा चाप ग्रेवी। तवा चाप ग्रेवी, वो नेक्स्ट आ गया। कैप्सिकम, ग्रेवी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, चिकन किंग, कसूरी मेथी, सोया बटर, ये आ गई क्रीम, रोगन, दाल मखनी के बाद आ गया चाप ग्रेवी। तो दाल मखनी एंड ग्रेवी चाप डन। अब ये क्या लग रहा है? बटर नान। ये लग रहा है हमारा बटर नान। ये जा रहा है तंदूर, तंदूर उसका गरम एंड इधर लगा देंगे तंदूर में। ये लगा दिया तंदूर में। ये हो गया जी हमारा बटर नान रेडी एंड ये लग रहा है ऊपर से बटर। आप क्या बनाने लगे हो? वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता, सबसे पहले आ गया मक्खन, गार्लिक, नेक्स्ट आ गए वेजी, अनियन, ये आ गया मैदा, मिल्क, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चीज स्लाइस, शुगर, ओरिगैनो, पास्ता, ये आ गया जी हमारा वाइट सॉस पास्ता। कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। मेकिंग तो आपने देख ही ली है, जगह का नाम मैंने बता दिया है सरदार जी सोयाचाप सेक्टर 22 चंडीगढ़। आइए और ये पास्ता का मज़ा लीजिए। नेक्स्ट आइटम यही शेफ बना रहे हैं, क्या बन रहे हैं? चिकन टिक्का। वेज चिकन टिक्का। सो गाइस, ये मैं सोच रहा मैं जैन होके चिकन खाने लगा हूँ। ये वेज चिकन टिक्का है। जैसे पहले आ गई ग्रेवी एंड ऊपर से आ गई क्रीम, ये आ गया चाट मसाला, चिली गार्लिक सॉस, ये आ गई क्रीम ऊपर से एंड फाइनली आ गया चिकन। सो ये वेज चिकन है, इसको नॉन वेज वाला चिकन मत समझो। एंड ये हो गया ग्रेवी में मिक्स, ये बन गई हमारी वेज चिकन रेसिपी।
अनियन के बाद आ गई क्रीम, आ गया वेज चिकन। थाली लग गई थी, ये हैं तंदूर वाले शेफ। और आप क्या बनाने लगे हो? मैं बना रहा हूँ सर पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, ये आ गया पनीर, ये आ गया अपना मसाला, एंड मसाले में ये आ गया पनीर, एंड ये आ गया कैप्सिकम एंड अनियन। ये रेडी है एंड ये जा रहा है रॉड में स्टिक। हम अभी हाफ प्लेट लगवा रहे हैं, सो इसमें चार पीस आते हैं। ये गई तंदूर में एंड ये आ गई पनीर टिक्का वाली स्टिक। ये आ गया मक्खन, चाट मसाला, ये आ गया नींबू, ये आ गया धनिया, ये आ गई पनीर टिक्का। ये चले गए उसी चटनी में, उसी मसाले में जिसमें हमने पनीर टिक्का बनाया। अभी आ गया अनियन एंड कैप्सिकम एंड अब लगने जा रहे हैं स्टिक पे फिर से, और पनीर टिक्का के बाद ये चलेगी स्टिक तंदूर में। एंड ये हो गई हमारे मोमोज भी। तो पनीर टिक्का एंड मोमोज के बाद लग रहे हैं नेक्स्ट अफगानी मोमोज। ये क्या आ गया सबसे पहले? मसाला, मसाला। ये आ गए मोमोज एंड ये आ गई स्टिक। सो लगने लगे हैं स्टिक पर ही, एंड ये हो गई स्टिक रेडी तंदूर में। तो तंदूर से निकल रहे हैं, ये आ गए अपने अफगानी मोमोज। तो ये आ गई डिप एंड इसमें चले गए मोमोज जो हमने अभी तंदूर से निकाले, मलाई मोमोज। ऊपर से आ गई क्रीम। सो नेक्स्ट हो रहे हैं, ये कौन से बन रहे हैं? ये दिल रुबा मोमोज। दिल रुबा, तो सारे आशिकों के लिए ये मोमोज हैं। ये आ गया इसका लेमन खट्टा मीठा। बिल्कुल, प्यार भी खट्टा मीठा होता है। प्यार भी खट्टा मीठा ही होता है। बिल्कुल, इसमें डल गए मोमोज। तो ये तैयार हो रहे हैं दिल रुबा मोमोज। ये कपल्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं दिल रुबा, क्योंकि ये दिल रुबा मोमोज हैं जिसमें लड़ाई हुई होती है वो ये खाते हैं और वो रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, खट्टा मीठा हो जाता है। लगी थी हमारी मोमोज की प्लेटर जिसमें आ गए थे स्टीम मोमोज, तंदूरी मोमोज, ये आ गए मलाई मोमोज एंड लास्ट आएंगे अब दिलरुबा मोमोज। क्या बात है, आज तो मोमो पार्टी बनती है। नेक्स्ट आइटम शेफ क्या बनने लगी है? मशरूम डुप्लेक्स। ये आ गया मशरूम एंड ये आ गया सारा बैटर। इसको क्या कहते हैं आप? ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स। तो ये आ गया ऑयल एंड ये चले गए मशरूम डुप्लेक्स। ये आ गए अपने मशरूम डुप्लेक्स। ये आजकल चंडीगढ़ में बहुत वायरल हो रहे हैं हर जगह पे। सो सेक्टर 22 सरदारजी सोया चाप पे भी ये डुप्लेक्स मिल रहे हैं। इंडियन एंड तंदूरी आइटम्स के बाद ये शेफ बनाने लगे हैं। क्या बनाने लगे भाई? अभी यानी से पोटैटो बनाने लगे। ठीक है चलो, सबसे पहले आ गया ऑयल, आ गया जिंजर गार्लिक, ये आ गई टोमेटो सॉस, आ गया विनेगर, ये रेडी हो गए हैं हनी चिली पोटैटो एंड ये ऊपर से आ गए तिल। काफ़ी कुछ ट्राई कर लिया सरदारजी सोया चाप का एंड ये दो कस्टमर्स थे। हाँ जी भैया, क्या नाम है पहले तो आपका? मेरा नाम है। ठीक है भाई, ठीक है। हाँ जी, और हम तो आते जाते रहते हैं यहाँ पर, आगे भी आते रहेंगे। और अभी क्या ट्राई किया था? नेक्स्ट टाइम क्या करोगे जी? देखते हैं हम नेक्स्ट टाइम। ठीक है भाजी, तुम्हें की कितना सी? अलग ही टेस्ट है। अच्छा जी। नहीं, अलग ही टेस्ट है। अलग ही टेस्ट है। ते, 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 ते,
ठीक है भाई, थैंक यू। हेलो वंस अगेन एवरीवन। सो रेसिपीज तो आपने देखे लिए फूड की बनते हुए, सो हमने ट्राई करनी है ये सारी आइटम एंड प्योर वेज है। इधर चिकन मिल रहा है, मटन मिल रहा है, लॉलीपॉप मिल रहा है एंड काफी कुछ है, लेकिन सारा फूड जो है वो वेज फूड है इन नॉन वेज स्टाइल। यस, इफ यू वांट टू ट्राई समथिंग इन नॉन वेज स्टाइल चंडीगढ़ में, सो दिस इज द राइट प्लेस, सरदार जी सोया चाप। सो इनमें से अब हम स्टार्ट करते हैं पहले मोमोज से। थोड़ा सा खाना ठंडा हो गया, लेकिन हमने दोबारा से रीहीट करवा लिया था। एंड इनकी ये जो फ्रूट बियर है ये तो काफ़ी अच्छी है, मैंने पहली थोड़ी सी वीडियो से पहले पी ली है। सो लेट्स स्टार्ट विद मोमोज। ये हैं स्टीम मोमोज, एक थे हमारे अफगानी मोमोज, एक थे मलाई मोमोज एंड एक थे तंदूरी मोमोज। सो सबसे पहले हम खाते हैं स्टीम मोमोज। जो फिलिंग है तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जूसी है एंड कम स्पाइसी है, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। थोड़ी थोड़ी बाइट रहेंगी क्योंकि बहुत कुछ ट्राई करना है। एंड आजकल चंडीगढ़ में मशरूम डुप्लेक्स बहुत फेमस हो रहे हैं, सो ये ट्राई करके देखते हैं। बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही अच्छे बने हुए एंड फिलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है। आ जाते हैं हम अपने नान पे। नान को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है रोटी। सो ये हमने बाइट ले ली है एंड इसको खाते हैं हम। दाल मखनी ये सबसे पहले हमने लगा ली अपनी सोया चाप की जो ग्रेवी है। एंड नेक्स्ट आइटम यही बाइट लेते हैं हम अपनी दाल मखनी के साथ। काफी अच्छा स्वाद है, ये थोड़ी सी स्पाइसी लगी मुझे जो चाप ग्रेवी है। नेक्स्ट है हमारे पनीर टिक्का, ये हमने रॉड में आपको दिखाई दिया है कि कैसे बनता है, सो ये ट्राई करते हैं। काफी सॉफ्ट पनीर है, जो इनका जो सबसे ज्यादा वायरल चीज है वो ये होनी चाहिए, वेज चिकन टिक्का। आपने चिकन तो बहुत बार खाया होगा नॉन वेजिटेरियन फूडीज, अगर हम वेज वाले में बात करें तो हमें कभी चिकन खाने का मौका नहीं मिला और ना ही कभी हम खाएंगे। सो ये जगह पे मिलता है वेज चिकन टिक्का। यस, यू हर्ड इट राइट, ये है वेज चिकन टिक्का। सो ये ट्राई करते हैं। अब मुझे चिकन का टेस्ट तो पता नहीं कैसा होता है क्योंकि कभी खाया नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सॉफ्ट है और इसको अभी बने 10-15 मिनट हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये गर्म है और काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। एंड लास्ट है हमारा हनी चिली पोटैटो, इसके भी आपने मेकिंग देखी दी थी। सो इन्होंने सोया चाप पलों ने चाइनीज फूड है वो इन्होंने अभी नया स्टार्ट किया है, तो हम ये ट्राई करते हैं। ये भी ठीक लगा मुझे। सो ओवरऑल These all are the veg food items. So whenever you are coming to Chandigarh और आपने कुछ वेज में ट्राई करना है जो नॉन वेज स्टाइल में है, सो सरदारजी सोया चाप जंक्शन इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू एंड योर फैमिली टू विजिट। सो इन्जॉय करो एंड फ्रूट बियर के साथ एंड करते हैं। Cheers. हेलो वंस अगेन। सो फाइनली डन विद सरदारजी सोया चाप। मेकिंग की वीडियो आपने देखी ली है, खाना खाते हुए की वीडियो देख ली है, रिव्यू जान लिया है, काफ़ी अच्छा फूड है, तो सब कुछ वेज है एंड इन नॉन वेज स्टाइल है। सो शाम का व्यू कुछ ऐसा हो जाता है यहाँ पे, लाइटिंग वगैरह एंड रात को 11:30-12 बजे तक ओपन है। सो आप जब भी आपको नाइट क्रेविंग हो रही है फूड की और आपने कुछ ना कुछ ट्राई करना है तो सरदारजी सोया चाप इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। शाम को 4 बजे आए थे, 8:30-9 बज रहे हैं, तो काफ़ी 3-4 घंटे लगे व्लॉग बनाते हुए। सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है इस वीडियो को। सो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टेक केयर, गुड बाय। कल सुबह मिलते हैं किसी और लोकेशन से, किसी और जगह से, किसी और जगह की ब्लॉगिंग करते हुए। सो टेक केयर एंड गुड बाय फ्रॉम सरदारजी सोया चाप, सेक्टर 22 एंड 40 चंडीगढ़। बाय बाय।